आज हम आपको टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ और 2021 में द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का तमगा हासिल कर चुके इलॉन मस्क के 5 बड़े कारनामों के बारे में बताएंगे। हालांकि ये तमगा ज्यादा दिन नहीं रहा और एक बार फिर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने दुनिया के सबसे रईस शख्स का ताज अपने नाम कर लिया। लेकिन यहाँ आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क की। इस इंसान की कहानी अपने आप में एक करिश्मा है। जुनून इतना कि नामुमकिन को मुमकिन करना इस शख्स की आदत बन चुकी है। ये वो इंसान है जो शांत रहकर अपने काम से अच्छू अच्छू की हेकड़ी निकाल देता है, जिसका एक उदाहरण फेसबुक और व्हाट्सएप के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के नाम पर दादागिरी क्या दिखाई, इलॉन मस्क ने इनकी अकल ठिकाने लगा दी। मौके पर चौका मारना कोई इलॉन मस्क से सीखे। कहते हैं कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। ऐसा ही कुछ इलॉन मस्क ने व्हाट्सएप की हेकड़ी के बीच सिग्नल ऐप लॉन्च करके दिखा दिया, जिसके बाद लोग व्हाट्सएप को छोड़ सिग्नल पर आ गए। इसके साथ ही टेलीग्राम को भी जबरदस्त फायदा हुआ और सिग्नल फ्री ऐप कैटेगरी में नंबर 1 पर आ गया। 5 से 12 जनवरी के बीच सिग्नल को 178 लाख बार डाउनलोड किया गया और अब ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि व्हाट्सएप के लिए बहुत बड़ा झटका है। यही कारण है कि व्हाट्सएप लगातार सफाई दे रहा है और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित है। हाल में व्हाट्सएप ये मैसेज अपने स्टेटस के जरिए भी यूजर्स तक पहुंचा रहा है। इसे इलॉन मस्क का डर कहें तो गलत नहीं होगा। चलिए जानते हैं इलॉन मस्क के 5 बड़े कारनामे। 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बनाया। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ। उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। वो बचपन में बहुत शांत स्वभाव के थे। इलॉन ने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम से एक वीडियो गेम तैयार कर लिया था। इलॉन जब 10 साल के थे तो उन्होंने कंप्यूटर कोडिंग का कोर्स सीखा, उसके बाद एक वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया। गेम को उन्होंने कॉमोडोर विक 20 नाम के कंप्यूटर से बनाया था। इस गेम का ऑनलाइन वर्जन आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इस गेम को उन्होंने साउथ अफ्रीकी कंपनी को बाद में बेच दिया। इसके बाद मस्क को $500 मिले थे, जो उस समय के हिसाब से करीब 4,000 रुपए थे। तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। कबाड़ से सामान खरीदकर अपनी BMW को रिपेयर किया। 1995 में इलॉन मस्क ने पैसों की कमी के चलते अपनी BMW कार को खुद सही किया था, क्योंकि उनके पास रिपेयर के पैसे नहीं थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उन्होंने बताया था कि मैंने कबाड़ खाने से $20 में एक रिपेयर ग्लास खरीदा था। ये जगह स्पेयर पार्ट्स के लिए काफी सही जगह थी। उन्होंने लिखा था कि ये फोटो 1995 की है। तब लोगों ने कहा कि मस्क कारों के बारे में कुछ नहीं जानते। माँ की पोस्ट पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा, कार रिपेयरिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कबाड़ खाने से सामान खरीद कर उस कार को खुद रिपेयर कर दिया था। 1993 में उन्होंने BMW 320i को $1,400 में खरीदा था। कंपनी बनाते और बेचते चले गए। टेस्ला ने बदली लाई। 25 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। 1999 में इस कंपनी को उन्होंने $22 मिलियन में कॉम्पैक को बेच दिया, यानी 30 की उम्र तक वो मिलियनेयर्स बन गए। 1999 में उन्होंने अपनी लाइफ की पहली कार मैकलेरन F1 खरीदी, लेकिन कुछ समय बाद कार का खर्च नहीं उठा पाने की वजह से इसे बेच दिया। 1999 में ही उन्होंने X.com की स्थापना की। एक साल बाद X.com कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई। इसे आगे चलकर PayPal के नाम से जाना जाने लगा। 2002 में eBay ने PayPal को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें मस्क का हिस्सा $165 मिलियन था। अक्टूबर 2008 में इलॉन टेस्ला के सीईओ बन गए। तब तक वो कंपनी में $7 करोड़ यानी कि करीब 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। जून 2010 में टेस्ला ने IPO लॉन्च किया। इसके आते ही कंपनी के शेयर 1,299% बढ़ गए। 2013 में सोलर सिटी USA में सोलर पावर
सिस्टम मुहैया कराने वाली टेस्ला दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई और अब बेंगलुरु के रास्ते टेस्ला भारत में भी आने वाली है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी किया कमाल। 2020 में इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के लिए बड़ी जीत रही। स्पेस एक्स में अंतरिक्ष पर जाने वाले यात्री की लागत करीब 412 करोड़ रुपए रही, जबकि 60 साल पहले सोयूज में प्रति सीट का खर्च करीब 600 करोड़ रुपए था। यानी उन्होंने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष पर भेजने की लागत 188 करोड़ रुपए कम कर दी। अपोलो स्पेसक्राफ्ट में एक सीट का खर्च करीब 3000 करोड़ रुपए था। ये भी एलोन मस्क के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। 2021 में दुनिया के सबसे रईस शख्स को पछाड़ा। इलॉन मस्क ने 2021 में 189.7 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी का तमगा भी हासिल कर लिया। हाल ही में उन्होंने अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया था। मस्क का बचपन काफी परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन वो आज अपने दम पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी का तमगा भी हासिल कर चुके हैं। बचपन में मस्क को बॉयलर की सफाई का काम मिला था, जिसके लिए प्रति घंटा 18 डॉलर मिलते थे, और आज वो प्रति घंटा करीब 140 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।